गाइस 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 फाइनली मिराइबो गो जो गेम है वो ओपन हो चुका है, जो पैल वर्ल्ड गेम का कॉपी पेस्ट वर्सन है, जो प्ले स्टोर के अंदर फाइनली आ गया था, बट अभी डाउनलोड हो रहा है। और डाउनलोड होने के बाद आप लोग अभी ओपन भी कर पाओगे, बट ओपन करने के बाद आप लोग इसके अंदर कैसे अकाउंट बना सकते हो, कैसे आप लोग इसके अंदर सेटिंग कर सकते हो, जो सेटिंग करने के बाद आपका लोएस्ट डिवाइस है या आपका हाइएस्ट डिवाइस है सबके अंदर स्मूथली चलने वाला है। उसके अलावा इसके अंदर और भी काफ़ी सारा प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे बात करें तो काफ़ी सारा फ्रेंड का मोबाइल के अंदर जो गेम है इंस्टॉल नहीं हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है तो फुल्ली ब्लैक स्क्रीन आ रहा है, ब्लैक स्क्रीन नहीं आ रहा है तो गेम काफी ज्यादा लैग कर रहा है। तो सभी क्वेश्चन का मैं आंसर इस वीडियो का देने वाला हूं, और कोई भी क्वेश्चन छूट जाता है, कोई भी आपका प्रॉब्लम हो रहा है गेम के अंदर वो मैं नहीं बताया इस वीडियो के अंदर, तो कॉमेंट सेक्शन का जरूर कॉमेंट करना, मैं सभी क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा, ठीक है। तो अभी बात कर लेते हैं इस गेम के अंदर प्रॉब्लम जो है बहुत सारा है। पहले जो प्रॉब्लम है, अभी ये जो गेम है फुल्ली लैंडस्केप के अंदर आ रहा है, मतलब आप लोग जो से मोबाइल सीधा करके पकड़ते हो तो उस टाइप का ये गेम आ रहा है, मतलब वर्टिकल मोड के अंदर नहीं आ रहा है। वर्टिकल मोड मतलब जो आप लोग पबजी फ्री फायर या कॉल ऑफ ड्यूटी टाइप का गेम खेलते हो फुल स्क्रीन हो जाता है ना, उसी मोड के अंदर नहीं जा रहा है। तो कैसे ले जा सकते हो सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो उससे पहले आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ उसी दोस्तों के साथ शेयर करना जिसके साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं ये जो वर्टिकल मोड है ये कैसे रहने वाला है, तो ये वीडियो के एंड में बताऊंगा। अभी बात कर लेते हैं ये जो गेम है इसके अंदर कैसे अकाउंट बना सकते हो। अकाउंट बनाने के लिए जैसे आप लोग गेम ओपन करोगे आपको जैसे स्टार्ट गेम वाला बटन आएगा, तो इसके नीचे आपको एक एग्जिट बटन देखने को मिला, इधर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद फिर से स्टार्ट बटन आएगा, स्टार्ट बटन के बाद जैसे ही क्लिक करोगे आपका इधर से लॉग इन सिस्टम फुल्ली ओपन हो जाएगा, तो आप लोग इधर से रजिस्टर कर सकते हो इस गेम के अंदर, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा रजिस्टर है, आप लोग आपका गूगल अकाउंट देकर रजिस्टर कर सकते हो, फेसबुक देकर रजिस्टर कर सकते हो, या आप गेस्ट अकाउंट के अंदर भी खेल सकते हो। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग फेसबुक अकाउंट देकर मत करना, क्योंकि आपका फेसबुक अकाउंट किसी तरीके से लॉग हो जाता है, बैन हो जाता है, या आपका अकाउंट हैक हो जाता है तो आपका गेम के अंदर जितना भी प्रोग्रेस है वो फुल्ली चला जाएगा। तो इसलिए आप लोग फेसबुक देकर मत करना। तो आप लोग ईमेल देकर करोगे तो बहुत ज्यादा आसानी होगी। उसके अलावा आप लोग ईमेल देकर करते हो तो हो सकता है आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल जाए, क्योंकि आप लोग आपका मोबाइल के अंदर जो ईमेल रखे हो वो ईमेल आपका प्ले स्टोर के अंदर ऑलरेडी ऐड है, और आपने इस गेम के अंदर पहले से फ्री रजिस्टर करके रखा है, तो उसी ईमेल से ही आप लोग इस गेम को रजिस्टर करना। मैं कल भी वीडियो के अंदर बता दिया था कि आप जो ईमेल प्ले स्टोर के अंदर ऐड करके रखे हो और ऑलरेडी आप लोग प्री रजिस्टर किए थे इस गेम के अंदर, तो आप उस ईमेल के अंदर से करना, तो आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड देखने को मिल जाएगा, जो मेरे को ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है। तो मैं इधर से रजिस्टर कर लिया हूँ मेरा एक ईमेल से, जो ईमेल मेरा प्ले स्टोर के अंदर था उधर से मैं इधर से क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इधर से थोड़ा देर लोटेड लगा और मेरा जो गेम है रजिस्टर हो जाएगा। एंड आने के बाद आपको इधर से सर्वर सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो मैं इधर से एशिया सर्वर के अंदर हूँ तो एशिया सर्वर किया, क्योंकि एशिया के अंदर काफी अच्छा पिंग चला है। अभी गेस्ट एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद अभी इधर से गेम ओपन हो जा रहा है। ओपन होने के बाद इधर से आपका कैरेक्टर चूज कर सकते हो, आप इधर से फीमेल रखना चाहते हो या मेल कैरेक्टर रखना चाहते हो, तो मैं तो नॉर्मली मेल कैरेक्टर रखने वाला हूँ। और मेल कैरेक्टर रखने के बाद नीचे आपको इधर से कस्टमाइज वाला एक ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है, आप लोग इधर क्लिक कर देना। तो क्लिक करने के बाद आपको इधर से काफी सारा हेयर स्टाइल देखने को मिला है, तो आपका जो मर्जी है वो रख सकते हो। उसके बाजू में आपको इधर से हेयर कलर भी देखने को मिल रहा है, इधर क्लिक करते हो तो आपको इधर से ऊपर में बहुत सारा हेयर स्टाइल है वो चेंज होगा, नीचे आपको कलर देखने को मिला है तो उधर से भी आप लोग कलर को भी सिलेक्ट करके चेंज कर सकते। ये कंप्लीट होने के बाद साइड में और एक चीज देखने को मिला है जो आपका फेस के रिगार्डिंग होने वाला है, तो आप इधर से आइस के अंदर क्या कलर रखना चाहते हो, आइस के अंदर क्या टैटू टाइप का रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते हो, ये भी आप लोग इधर से कस्टमाइज कर सकते हो। इसके बाजू में और एक चीज देखने को मिला है जो है आपका फुल बॉडी जो है, आप इसका बॉडी को कैसे चेंज कर सकते हो, आप इसका मतलब थोड़ा पतला रखना चाहते हो या थोड़ा मोटा रखना चाहते हो, आप इधर से आराम से सिलेक्ट कर सकते हो। आपका इधर से बाइसेप्स कितना अच्छा रखने वाले हो, लेग्स के अंदर क्या रखने वाले हो, वो आप लोग फुल्ली इधर से कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। इतना कंप्लीट होने के बाद आपको बाजू में वॉइस बटन आएगा, इधर से टोटल 3 वॉइस सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब आप इधर से इस कैरेक्टर का क्या वॉइस रखना चाहते हो वो चूज करके इधर से कंफर्म इमेज के ऊपर सिलेक्ट करना। उसके बाद आपका कैरेक्टर का नेम लिखने के लिए बोलेगा, तो गेम का नेम लिख देना और एंटर गेम के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका गेम ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही गेम ओपन हो जाएगा काफी सारा ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है, पहले आपको गिल्ड देखने को मिल रहा है, उसके बाद में एक्सपर्टीज देखने को मिल रहा है, उसके बाद शॉप, इवेंट, बैकपैक और सेटिंग। सेटिंग मेन है क्योंकि इधर से कोई भी चीज गलत करते हो तो गेम काफी ज्यादा लैग करेगा। तो इसके अंदर क्लिक करने के बाद टोटल 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इधर से कंट्रोल्स,
डिस्प्ले, साउंड और सेटिंग। तो चार ऑप्शन के अंदर से पहले कंट्रोल्स है, जो आपका मोबाइल का कंट्रोल्स, आप लोग गेम का कंट्रोल सिलेक्ट कर सकते हो, कौन सा कंट्रोल्स करना चाहिए नहीं चाहिए। टोटल दो कंट्रोल्स आप लोग इधर से सिलेक्ट कर सकते हो, ए और बी, मतलब आप दो कंट्रोल्स के अंदर खेल सकते हो, आप लोग कस्टमाइज करके खेल सकते हो, जो भी चाहो इधर से कर सकते हो, कोई भी जंप बटन या आपका मतलब बैठने वाला बटन, उसके अलावा आपका ऑटो फायर बटन, ये सब आप इधर से स्मूथली कर सकते हो। क्या रखना चाहते हो, नहीं रखना चाहते, इधर से सिंपली सिलेक्ट करके इधर से कस्टमाइज कर सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है। मेन बात जो आपको डिस्प्ले के अंदर देखने को मिलेगा, डिस्प्ले के अंदर आप लोग क्लिक करती हो तो आपको इधर से काफ़ी सारा ऑप्शन देखने को मिल जाए। ये मेन चीज़ है आपका गेम का ग्राफिक्स सिलेक्ट करने के लिए। तो ग्राफिक्स की बात करें तो पहले आपको ओवरऑल ग्राफिक्स देखने को मिला, जो आपको इधर से दो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, एक है क्वालिटी मोड और सेकेंड है परफॉर्मेंस मोड। तो ये आप लोग परफॉर्मेंस मोड सिलेक्ट करते हो तो आप इधर से गेम का हिसाब से कुछ सिलेक्ट रहेगा, और आप लोग क्वालिटी मोड सिलेक्ट करते हो तो काफ़ी सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा और आपका हिसाब से इधर से आप लोग मॉडिफाई कर सकते हो। उसके नीचे डायनामिक मोड देखने को मिला है, जो आप इधर से ऑन है तो ऑन रहने देता है। नीचे आपको इधर से FPS लो FPS स्विच होता रहेगा, मतलब FPS का मतलब है आपका जो गेम का मतलब कंट्रोल्स है, मतलब मूवमेंट स्पीड है, वो आप लोग इधर से इंक्रीज कर सकते हो, इधर से ऑन करके रखना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है FPS हाई हो जाता है और कम हो जाता है, तो इसलिए ऑन करके रख दो तो उसके हिसाब से गेम का हिसाब से वो जो FPS है वो पकड़ लेगा और अच्छे से स्मूथ तरीके से गेम चलेगा। तो इसलिए इसको ऑन मतलब रहने देता है, ऑफ बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। उसके नीचे ग्राफिक सेटिंग देखने को मिल जा रहा है, और ग्राफिक सेटिंग मेन है आपका गेम स्मूथली चलेगा या लैग कर करके चलेगा। तो इधर से आपको टोटल छः ऑप्शन देखने को मिला है, पहला ऑप्शन ऑलरेडी लॉक है, तो सेकंड ऑप्शन लो, उसके बाद मीडियम। तो आपका मोबाइल 3 से लेकर 4G वाला मोबाइल है तो आप पहले मीडियम करके ट्राई करना, लैग हो रहा है तो लो करके ट्राई करना। और आपका मोबाइल 2G वाला है तो आपका मोबाइल के अंदर इंस्टॉल हो रहा है तो गेम चलेगा, नहीं भी इंस्टॉल हो रहा है तो नहीं गेम चलेगा, ठीक है। प्ले स्टोर के अंदर से आप लोग ट्राई करना गेम इंस्टॉल हो रहा है कि नहीं, बट मैं सजेस्ट करूंगा 2GB रैम का मोबाइल के अंदर बिल्कुल भी ट्राई मत करना, क्योंकि काफ़ी बड़ा गेम है और काफ़ी ज़्यादा लैग करेगा, हो सकता है आपका मोबाइल मतलब मोबाइल के अंदर काफ़ी सारा प्रॉब्लम भी आ सकता है, तो इसलिए ट्राई मत करना। और 3G या 4G वाला रैम है तो आप जैसे मीडियम या लो के अंदर ट्राई करना, तो स्मूथ चल रहा है तो सही है, नहीं तो लो करके खेल लेना। हाई के अंदर आपका हाई कलर सिलेक्ट करना चाहते हो तो 6 से लेकर 8GB वाला रैम के अंदर ट्राई करना, तो हाई के अंदर स्मूथली चलने वाला। आपका थोड़ा प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए और आपका मोबाइल का स्टोरेज थोड़ा खाली होना चाहिए, नहीं तो गेम लैग कर सकते हैं। अल्ट्रा के अंदर तो 8GB के ऊपर वाला, मतलब मोबाइल का अंदर जिसका 8GB के ऊपर वाला रैम है और प्रोसेसर बहुत ही अच्छा है, तो अल्ट्रा करके मैक्स करके खेल सकते हो, ठीक है, ये मैं बता दिया। उसके बाद जैसे फ्रेम रेट आप लोग मीडियम, आपका मैं पहले ही बताया कि आपका 1GB वाला रैम या 2GB वाला रैम, तो रैम के हिसाब से ही कर देना। आपका ऊपर में ऑलरेडी लो है, मतलब इधर से आप लोग लो करके खेल रहे हो तो इधर से आपको नीचे लो करके रखना है, ठीक है ना, लो करके रखना है। मीडियम करके खेल रहे हो तो मीडियम इधर से नीचे भी मीडियम कर देना है, हाई करके खेलो तो नीचे भी आपको हाई कर देना है, तो क्या होगा गेम बहुत ही स्मूथली चलने वाला है, ठीक है। उसके नीचे आपको शैडो देखने को मिला है, शैडो मतलब आपका कैरेक्टर का या पेयर या जो पैर से उसका शैडो आ रहा है कि नहीं, वो शैडो आप लोग इनेबल करते हो तो और भी स्मूथ देखने को लगेगा, अच्छा देखने को मिलेगा। बट आपका मोबाइल बहुत लो डिवाइस है, जैसे 3GB वाला 4G वाला रैम है, तो उसके अंदर आप लोग इसको इनेबल मत करना, ठीक है, इसको डिसेबल कर देना, तो गेम और भी स्मूथली चलने वाला है। तो मेरा इनेबल है तो इनेबल रखूँगा। उसके बाद इधर से ग्लो का पता नहीं, हो सकता है आपका जो फुल वर्ल्ड है वो चमक रहेगा, तो इसलिए इधर से इनेबल या डिसेबल देखने को मिल जा रहा है, तो मैं इसको इनेबल नहीं करूँगा क्योंकि प्रॉब्लम आ सकते हैं मोबाइल के अंदर और लैग कर सकते हैं, तो इसलिए इसको डिसेबल कर दूँगा, ठीक है, ये मेन है हो गया। उसके बाद साउंड के अंदर आपको काफ़ी सारा साउंड देखने को मिला है, तो आपके हिसाब से बैकग्राउंड साउंड आप लोग हटाना चाहते हो, कम करना चाहते हो, तो इधर से आपको बैकग्राउंड साउंड को कम ज़्यादा कर सकते हो, वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हो, ये चीज़ है। साउंड इफेक्ट को भी कम ज़्यादा कर सकते हो, गेम के अंदर जो साउंड इफेक्ट है, उसका सिस्टम वॉइस है, तो ये सब को आपको आपके हिसाब से सिलेक्ट करना चाहिए। उसके बाद में आपको सेटिंग देखने को मिला है, और सेटिंग के अंदर आपको मेरा UID भी देखने को मिला है, आप लोग मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना चाहते हो तो भेज सकते हो। इधर से री लॉगिन देखने को मिला है, तो आपका कोई आधार सा अकाउंट है तो इधर से लॉग इन कर सकते हो। सेफ पावर भी देखने को मिल रहा है, और काफ़ी सारा ऑप्शन इधर से देखने को मिल जा रहा है। नीचे आपको इधर से एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि बाइंड, तो आपका और एक अकाउंट है तो इधर से बाइंड कर सकते हो, ऐसा कुछ लग रहा है। आपका इधर से नेम भी देखने को मिला है, इधर से नेम के ऊपर मैं इधर क्लिक करता हूँ तो इधर से ऑप्टर भी लगा सकते हो, ऐसे सिलेक्ट करके कोई सा भी ऑप्टर लगा सकते हो, तो ऐसा ऑप्टर ऐसा, तो मेरा ऐसे ही नॉर्मली ऑप्टर रहता है और अप्लाई कर देता है, तो ये
सेव हो चुका है, और इधर से कस्टमाइज अवतार भी देखने को मिला है। बट इसको अप्लाई करने के लिए हो सकता है कुछ मिशन मिले और मिशन कंप्लीट करने के बाद हम लोग को रिवॉर्ड भी मिल जाए। तो इतना सारा सेटिंग के अंदर था। उसके अलावा बैक पैक के अंदर हम लोग जाएंगे तो बैक पैक के अंदर कुछ भी चीज़ देखने को नहीं मिला, इधर से फुल खाली है, और इसको कट कर देते हैं। और इवेंट इवेंट अभी चल रहा है, इवेंट के अंदर हम लोग को कुछ गिफ्ट मिला है जो मैं पहले ही बताया था कि ईमेल से लॉगिन करने के बाद जो ईमेल से आप लोग प्री रजिस्टर किए थे उस ईमेल से आप लोग करोगे तो कुछ रिवॉर्ड मिल सकते हैं। तो ऑलरेडी मेरे को कुछ रिवॉर्ड मिल चुका है तो वो भी मैं क्लेम कर लूँगा। उसके अलावा और कुछ इवेंट इधर से चल रहा है, जो इवेंट अभी इन्वाइट वाला इवेंट देखने को मिला है, नीचे फ्रेंड को हम लोग इधर से इन्वाइट कर सकते हैं। उसके बाद सर्वर देखने को मिल रहा है, और मेल का अगर कोई मैसेज आता है तो आप इधर से भी देख सकते हो। सबसे नीचे आपको एक देखने को मिलेगा फ्रेंड वाला ऑप्शन, फ्रेंड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हो तो इधर से आपका फ्रेंड को भी इनवाइट भेज सकते हो। इधर से ऐड फ्रेंड के ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं तो इधर से ऐड फ्रेंड रिक्वेस्ट फ्रेंड के अंदर हम लोग क्लिक करेंगे तो इधर से हम लोग रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। बट रिक्वेस्ट भेजने का कोई ऑप्शन इधर से देखने को मिला ऐड फ्रेंड के अंदर, हाँ इधर से सर्च करने का ऑप्शन आ रहा है, देखो नीचे आ रहा है। इधर से एंटर प्लेयर नेम और नंबर, मतलब नंबर नेम का मतलब है आप लोग सेटिंग के अंदर जाओगे तो आपको इधर से फिर से सेटिंग के अंदर जाओगे तो एक नंबर देखने को मिल रहा है, वो नंबर भी आप लोग सर्च कर सकते हो फ्रेंड को इनवाइट करने के लिए, या आपका फ्रेंड का नेम भी जो नेम रखा हुआ है वो नेम भी सर्च कर सकते हो। तो नंबर सर्च करेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी, तो नंबर सर्च करके आपका फ्रेंड को इनवाइट भेज सकते हो। और कोई भी फ्रेंड मेरे को इनवाइट भेजना चाहते हो तो इधर से आराम से भेज सकते हो। ओके, सारे कंट्रोल्स और सेटिंग कंप्लीट हो चुका है, एंड कंप्लीट होने के बाद अभी आप लोग बोल सकते हो यार अभी भी इधर से लैंडस्केप के अंदर नहीं जा रहा है, वर्टिकल मोड के अंदर क्यों है, तो जाएगा यार थोड़ा वेट करो। तो पहले हमको वर्ल्ड के अंदर जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको एंटर देखने को मिल रहा है और जैसे वर्ल्ड देखने को मिल रहा है तो एंटर के अंदर क्लिक करेंगे तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमको सबसे पहले वर्ल्ड के अंदर ज्वाइन होना पड़ेगा। तो इसलिए फ्री वर्ल्ड देखने को मिल रहा है, इधर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद काफ़ी सारा फ्री वर्ल्ड हमको देखने को मिला है, साइड में एक VIP ऑप्शन भी है जिसके अंदर आप लोग VIP मेंबरशिप लेते हो तो इधर से आपको काफ़ी सारा वर्ल्ड है जिसके अंदर आप लोग आराम से ज्वाइन हो सकते हो। बट आप लोग फ्री के अंदर ज्वाइन होना चाहते हो तो आपको काफ़ी वेट करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी सारा वर्ल्ड है जो फुल है, इधर से 8x8 है, मतलब पूरा फुल है ये सब वर्ल्ड। तो सभी वर्ल्ड के अंदर 8x8 करके मेंबर जा सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमको इधर थोड़ा ढूंढना पड़ेगा कौन सा वर्ल्ड खाली है। तो इधर से एक वर्ल्ड देखने को मिल चुका है जो खाली है, तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद नीचे ज्वाइन बटन है तो ज्वाइन करते हैं। तो ज्वाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद देखते हैं नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं, तो जैसे ही क्लिक करेंगे ज्वाइन हो जाएंगे। इधर से बोला कि 5 मिनट वेट करना पड़ेगा, बट वेट करके कोई भी फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि काफ़ी टाइम होता है कि ओपन नहीं होता है, तो इसलिए फिर से कैंसिल करके और एक वॉल को ढूंढना पड़ेगा। इधर से एक वॉल मेरे को मिल चुका है एंड ज्वाइन, तो फाइनली इधर से हम ज्वाइन भी हो चुके हैं। ज्वाइन होने के बाद हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि इधर से लोडिंग होगा और जो वर्ल्ड है ओपन हो जाएगा। एंड अभी भी इधर से वर्टिकल मोड के अंदर है, लैंडस्केप के अंदर नहीं जा रहा है मोबाइल, मतलब जो पबजी और फ्री फायर जैसे खेलती हो उस टाइम जब मोबाइल फुल स्क्रीन हो जाते हैं उस टाइम के अंदर नहीं जा रहा है, बट चला जाएगा क्योंकि ये ओपन होने के बाद मैं दिखाऊंगा कैसे जा सकता है। तो काफ़ी सारा फ्रेंड दिक्कत के अंदर था, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं था, तो मैं सभी प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन बता दूंगा, मैं पहले ही बता दिया। तो अभी गेम ओपन हो चुका है और मैं सबसे पहले मेरा लोगों को हटा देता हूँ। एंड गेम ओपन होने के बाद जैसे मेरा करेक्टर है और काफ़ी सारा पैर्स भी आ चुका है एंड मेरे को मतलब कुछ स्टोरी टाइप का समझ रहा है कि ये स्टोरी कैसा होने वाला है। तो इधर से दो करेक्टर देखने को मिले, एक फीमेल है और एक मैं हूँ। तो देखते हैं अभी इधर से मेरे को सबसे पहले इधर से मेरे को ये लेना पड़ेगा, क्या बोलते हैं इसको, मतलब लाइट बोल सकते हो या क्या चीज़ है मेरे को मसल बोल सकते हो, ठीक है ना। तो इधर से मैं पिक कर लेता हूँ एंड पिक करने के बाद अभी मेरे को आगे जाना पड़ेगा हमको लग रहा है। हाँ अभी हमारा हाथ में आ चुका है, तो इधर से 8 मीटर दूर जाने के लिए बोला है, 3 मीटर, तो इधर मैं आ चुका हूँ। इधर आने के बाद मेरे को ऊपर जाने के लिए बोला है, तो फुल इधर से वर्टिकल मोड के अंदर है इसलिए दिक्कत आ रहा है गेम प्ले करने में, बट सही हो जाएगा। अभी हम जा रहे हैं किधर पता नहीं, बट कुछ स्टोरी टाइप का चल रहा है। करेक्टर कहाँ जा चुका है हमारा करेक्टर, मतलब बोल सकते हो मैं कहाँ जा चुका हूँ। अभी इधर से कुछ कुछ मीटर दूर दूर कुछ मतलब लाइटिंग लगाने के लिए बोला, ठीक है मैं इधर से लाइट लगा देता हूँ। एंड इधर से आ चुके, आग लग गया। अभी इधर से और एक है 13 मीटर दूर है, इधर से भी सेम लगा देता हूँ। भाई साहब इसको दिक्कत आ रही है खेलने में, तो इधर से फिर से आग लगा देता हूँ। और एक है 12 मीटर दूर है लेफ्ट के अंदर मेरा, तो उधर चल के इसको भी मैं प्लेस करता हूँ। कहाँ गया इससे थोड़ा घूम जा, ओके ऊपर में क्लिक करने के बाद इधर से काम कर रहा है वर्टिकल मोड के अंदर, इधर से मैं आग लगा दिया। तो ये कंप्लीट हो चुका है, अभी कुछ क्या आ रहा है मेरे को भी पता नहीं है, बट जो भी है एक स्टैचू टाइप का चीज़ आ चुका है, देखते हैं इसके अंदर क्या होता है नहीं होता है। ये 17 मीटर दूर है तो उधर मेरे को जाना पड़ेगा, देखते हैं इधर क्या होता है नहीं होता है। ओके मैं आ चुका हूँ,
एंड इधर से कुछ तो क्लिक करने का ऑप्शन आया था। ओ भाई साहब कहाँ कब जाम हो जा रहा है, कब क्या हो रहा है, मेरे को अभी भी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि एक ही कर्सर के अंदर सब कुछ है। तो मैं इधर से एक्टिवेट किया, अभी देखते हैं एक्टिवेट करने के लिए कुछ तो इधर से टोकन या क्या चीज़ पता नहीं है, बट कुछ चिप टाइप का चीज़ इधर से लगा दिया है। एंड इधर से मेरा वॉल्ड भी ओपन हो चुका है, आई एम कन्फर्म करते हैं। एंड कन्फर्म करने के बाद कुछ तो हो रहा है, इधर से देखते हैं क्या होता है। एक पोर्टल ओपन हो रहा है, और हाँ एक पोर्टल ओपन हो चुका है। तो अभी मेन वॉल्ड ओपन हो रहा है हमारा, तो देखते हैं उधर चलते हैं, तो देखने के बाद पता चलेगा इस वॉल्ड के अंदर चलते हैं कैसा कैसा वॉल्ड है। और मेरा तो गेम मतलब लैग ही नहीं कर रहा है, बहुत ही स्मूथली चल रहा है। तो जिसका भी लैग हो रहा है, मैं पहले ही बताया आपको क्या करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा। अभी मेरा जो गेम है ओपन हो रहा है, क्योंकि मैं पोर्टल के अंदर जा चुका हूँ, मेरा वॉल्ड अभी फाइनली ओपन हो जा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा एक बार आप लोग एक गिल्ड के अंदर ज्वाइन हो जाती हो, तब आराम से आपका को वॉल्ट के अंदर जा सकते हो और दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, मैं आ चुका भी हमारा वॉल्ट के अंदर, एंड वॉल्ट तो बहुत खूबसूरत लग रही है। अभी भी वर्टिकल मोड के अंदर लैंडस्केप के अंदर नहीं जा रहा है। एंड इधर से ओके ओके कंट्रोल्स, मतलब मैं पहले ही बताया था कि आप कौन सा कंट्रोल्स किए हो, तो मेरा तो बी ऑलरेडी सिलेक्ट था, इसलिए बी सिलेक्ट है, तो इसको मैं टिक करता हूँ। एंड देखता हूँ अभी इधर से वर्टिकल के अंदर अभी भी है लैंडस्केप के अंदर जाता है कि नहीं। और हाँ अभी भी लैंडस्केप के अंदर नहीं जा रहा है कोई ऑप्शन अभी साइड में। हाँ ऊपर में एक ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है, इधर देखो इधर से एक ऑप्शन है रोटेट करने का मोबाइल, तो मैंने इधर रोटेट किया और मेरा जो गेम है फाइनली रोटेट हो चुका है फुल्ली। हम लोग इसी तरीके से गेम प्ले कर सकते हैं, जैसे हमारा टेलीपोर्टर भी देखने को मिला है और फुल वॉल आपको देखने को मिल जा रहा है, इधर से कुछ तो गिरा हुआ है, तो आपको फुल समझ में आ जा रहा है कि कैसा है क्या नहीं है। मैं हो सकता है इसके वीडियो के अंदर आपको सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दिया हूँ कि कैसे आप लोग आपका मोबाइल को फुल्ली लैंडस्केप के अंदर खेल सकते हो वर्टिकल से। उसके अलावा सेटिंग क्या क्या करना चाहिए लोएस्ट एंड हाइएस्ट डिवाइस के अंदर, तो आई हो आपको सब कुछ समझ में आ गई होगी। और फुल एपिसोड आने वाले चैनल के अंदर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए है, तो जरूर जरूर कमेंट करके मेरे को कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो बता देना, मैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर या वीडियो के अंदर बता दूंगा वो सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो इतना ही।